कृष्णमूर्ति बताते हैं, अगर हम कुछ चीज़ों को दूसरे ढंग से देख लें, दूसरे ढंग से सोचा जाए किसी चीज़ को, तो हमको उस चीज़ को सोचने से जो अनुभव होता है उससे भिन्न अनुभव होगा। आदमी के मन में किस वक्त कौन सा विचार आएगा और वो कैसा जीवन अनुभव करेगा, उस पर आधारित होगा। जब उसके मन में क्रोध के विचार आएंगे उस वक्त फर्क किस्म का जीवन अनुभव होगा, जब मन में प्रेम भाव पैदा हो तब फर्क किस्म का जीवन अनुभव होगा। जिस मान्यता और धारणा से हम जीवन को लेंगे हमको उसी किस्म का जीवन अनुभव होगा, और जो जीवन अनुभव होगा हमारी मान्यताओं पर वो आधारित होगा। अगर हम उसको उस तरह नहीं सोचते तो जीवन अनुभव भी हमको फर्क तरीके से होता। जैसे आप रास्ते पे चल रहे हैं, आपने एक रस्सी को सांप जैसा देख लिया, आपने सांप जैसा देख लिया, इस कारण आपको सांप देखने के बाद जो जीवन अनुभव होता है वो जीवन आपका अनुभव होगा। मगर आप सांप को सांप की तरह नहीं रस्सी की तरह देखते हैं तो आपको फिर वो जीवन अनुभव नहीं प्राप्त होगा जो सांप देखने से भय घबराहट पैदा होता है, वो नहीं होगा। तो जीवन क्या अनुभव में आता है वो हम पे आधारित होता है कि हम किस तरह उसको लेते हैं, किस तरह हम उसको देखते हैं। ऐसे जीवन को, जीवन के दुख को, तनाव को, भय को हम किस तरह लेते हैं उस हिसाब से हम जीवन में भयभीत होते हैं, क्रोधित होते हैं, चिंतित होते हैं। अगर हम जीवन के प्रेम, क्रोध, भय, अहंकार, इन चीज़ों को फरक ढंग से हम देख लें तो हमको अभी जो अनुभव हो रहा होता है पीड़ा, दुख, चिंता, बंधन का, वो अनुभव हमको होगा नहीं। इसलिए कृष्णमूर्ति कहते हैं दोबारा से व्याख्या करो, जो आपने व्याख्या किया है चीज़ों के प्रति उसके कारण आप एक किस्म का जीवन अनुभव कर रहे हो, तो आप दोबारा से व्याख्या कर लो जीवन का, तो फिर आपको जीवन का दूसरा ही अनुभव होगा। जैसे कृष्णमूर्ति कहते हैं हमको दुख अनुभव होता है जीवन में, क्यों अनुभव में होता है दुख, क्योंकि हम पहले जीवन को दुख की तरह ही देखते हैं, जीवन को देखने की हमारी दृष्टि वो दुख की ही होती है। दुख को हम स्वाभाविक मानते हैं क्योंकि सभी लोग दुख में जीते हैं, है ना। तो हमको भी अपने जीवन में जो कुछ होता है उसको हम दुख कहते हैं, चिंता कहते हैं और चिंतित हो जाते हैं। यानी कि हम अपने जीवन पर भी व्याख्या कर देते हैं जैसे हम बाहर देखते हैं चीज़ों को। जैसे बाहर हमने किसी आदमी को देखा वो चिंतित है और बता रहा है कि मुझे ऐसा 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 अनुभव हो रहा है इसलिए मैं बहुत तनाव में हूँ, दुख में हूँ। अब आप इस बात को अपने जीवन पर भी आप अप्लाई करेंगे, आप अपने को भी कहेंगे आपका मन में, आपका शरीर में कुछ दर्द या कुछ चिंता या भय पैदा होगा तो आप भी व्याख्या करेंगे मैं दुखी हो गया, मैं चिंतित हो गया, मैं अज्ञान में घिर गया, अंधकार में पड़ गया, इत्यादि हम कहेंगे। मगर कृष्णमूर्ति कहते हैं आप जब शब्द दोगे मैं दुखी हो गया, चिंतित हो गया, मुझे चिंता है, जब आप ये शब्द देंगे आपने व्याख्या कर ही लिया जीवन को एक आयाम से देखने के लिए, जीवन को एक चश्मे से देखने के लिए आपने एक सिद्धांत खड़ा कर लिया, आपने कह दिया मैं चिंता में हूँ या चिंतित हूँ। मगर आपने मैं चिंता में हूँ किस आधार पर कहा इसको देखना चाहिए, तभी हम दूसरी तरह इसका हम व्याख्या कर पाएंगे और दूसरा जीवन अनुभव कर पाएंगे जो अभय का है, अचिंता का है। तो कृष्णमूर्ति कहते हैं आप चिंता में हूँ जो कहते हो
आपको कैसे पता कि जो आपको हो रहा है वो चिंता है ना? आप भयभीत हूँ कह रहे हो, तो कृष्णमूर्ति कहते हैं आपको कैसे पता लगा कि आप भय में हो? क्या आधार है आपका कि आप उसको पहचान पाते हो कि वो भय है? आपके पास जानने का कोई भी थ्योरी प्रयोगशाला नहीं है, आप अपनी व्याख्या के द्वारा कहते हैं। आपने देखा है दूसरे आदमी को जो कहता है मैं चिंतित हूँ, पीड़ा में हूँ, तो आप भी अपने को कहते हैं मैं चिंतित हूँ, मैं पीड़ा में। आपने इसलिए कहा कि दूसरे लोग कहते हैं, और पीड़ा या चिंता आपके पास जो हुआ है क्या वही चिंता और पीड़ा उसको भी हुआ है? वही पीड़ा चिंता उसको नहीं हुआ है, तो वो अपने को चिंता में हूँ कहता है, तो आप अपने को भी मैं चिंता में हूँ कह नहीं सकते। आधार नहीं है ना आपके पास, किस आधार पर आप कहेंगे बहुत चिंता में हूँ? तो बहुत चिंता का कोई आयाम नहीं होता, चिंता को नापने का कोई यंत्र नहीं होता है ना? और चिंता कोई लोग ऐसे भी होते हैं जिस बातों को आप चिंता करते हैं उन बातों को कई लोग चिंता ही नहीं करते हैं। तो इसलिए चिंता एक व्याख्या है, वो फैक्ट नहीं है। जैसे शरीर में कुछ पीड़ा होता है तो फैक्ट होता है, उसका हम माप भी कर सकते हैं कितना पीड़ा हुआ है। आपके पैर में कांट गिर गया तो सभी लोगों को एक जैसा ही दर्द का अनुभव होगा। आपको कोई सुई चुभा दे तो सभी लोगों को एक जैसा ही अनुभव होगा, और कितना दुख दर्द का अनुभव होगा उसका हम मेजरमेंट भी कर सकते हैं। मगर चिंता ऐसा नहीं होता है ना? कोई आदमी ऐसा होगा जो आप जिस बातों को लेकर चिंतित होते हो वो लोग उस बात को लेकर चिंतित ही नहीं होंगे, है ना? और कई लोग ऐसे होंगे छोटी बातों पर भी बड़ा चिंता उठाएंगे, और कई लोग ऐसे भी होंगे बड़ा चिंता को भी छोटा चिंता जैसा अनुभव करेंगे। ये आपका आप पर निर्भर है कि चिंता आप कितना लेना चाहते हो, है ना? चिंता को हम लेते हैं, चिंता ज़बरदस्ती हमारे पास नहीं आता है, हम व्याख्या करते हैं चिंता को, और कितना हम व्याख्या करेंगे उसके आधार पर हम चिंता को लेंगे। इसलिए सूत्र ये है आप भिन्न दृष्टि से देखना शुरू कर दो। आप ये कहना बंद कर दो मैं चिंता में हूँ, मैं भय में हूँ, पीड़ा में हूँ, बंधन में हूँ, अज्ञान में हूँ, क्योंकि अपने को अज्ञान में हूँ कहना ये भी एक इल्यूजन होता है। हम ज्ञानी भी नहीं है, हम अज्ञानी भी नहीं है, फैक्ट ये है ना। हम ज्ञानी नहीं है ये हम कैसे जानते हैं? क्या है नापने का यंत्र, क्या है आपके पास? आप कह नहीं सकते अपने को मैं ज्ञानी हूँ, और आप ये भी नहीं कह सकते अपने को अज्ञानी हूँ, क्योंकि आप अज्ञानी होने का प्रमाण भी देने के लिए आपके पास कोई परीक्षण नहीं है। तो शब्द देना नहीं है, है ना? चिंता में हूँ कहना भी शब्द देना है। वास्तव में जब हम शब्द देते हैं फिर हम उस चिंता में पड़ जाते हैं, भय में पड़ जाते हैं। भय होने के लिए पहले आपको कहना होगा मैं भय में हूँ, भय शब्द का प्रयोग करना होगा। भय शब्द का प्रयोग करेंगे फिर वो भय जो जीवन में आपने अनुभव किए हैं वो सब भय इकट्ठे होकर आपके पास आएंगे और आप भयभीत होते जाएंगे, है? और ये सब मान्यताओं और कल्पनाओं की बात है। आपने भय कह दिया सबसे पहले, आपने चिंता शब्द कह दिया, वो शब्द कहने से जीवन की दृष्टि बदल जाती है। तो चिंता में हो तो चिंता में हूँ कहना नहीं है, क्योंकि चिंता है, चिंता में हूँ कहने का अर्थ है कि मुझे पता है मैं चिंता में हूँ, और जो मुझे हो रहा है उसको चिंता कहते हैं, और कितने लेवल का चिंता हो रहा है ये सब मैं परीक्षण कर रहा हूँ, ऐसा होगा। मगर ऐसा सत्य नहीं है। आपने माना उसको चिंता तो वो चिंता है, नहीं माना तो वो चिंता नहीं है, वो सुई चुभाने जैसा घटना नहीं है। आप मानोगे मैं आपको सुभी कोई चुभा दे, आप नहीं मानोगे तो भी आपको दुख होगा, है? मगर चिंता ऐसा नहीं है, चिंता नहीं मानोगे आपको चिंता नहीं होगा, मानसिक बात। तो ध्यान का अर्थ होता है आप इस तरह बैठ जाओ कहीं पर और कुछ भी व्याख्या मत करो, च्वाइसलेस हो जाओ, है? व्याख्या ही मत करो, दुख हो रहा है तो दुख हो रहा है भी मत कहो,
चिंता हो रहा है तो चिंता हो रहा है भी मत कहो, आनंद हो रहा है तो आनंद हो रहा है भी मत कहो। आप शब्द कुछ भी नहीं दो, जैसा है वैसा आप उसको देखो, है ना, आप उसका स्वीकार करो। आप ये कहो हाँ ऐसा हो रहा है, और क्या हो रहा है शरीर में उसका नोटिस करो। जैसे आपको पीड़ा हो रहा है तो पीड़ा हो गया, मुझे ये पीड़ा शब्द मत लाओ बीच में। आप अपने भीतर देखो कहाँ पर पीड़ा हो रहा है या क्या हो रहा है, पीड़ा भी मत कहो, क्या हो रहा है वो संवेदना है, वो संवेदना को देखो आप। जब शब्द नहीं देंगे तो वो चिंता है अगर तो चिंता नहीं होगा, भय है तो भय नहीं होगा। शब्द ही उसको व्याख्या दिला देता है और शब्द ही उसको चिंता बना देता है, भय बना देता है, पीड़ा बना देता है। तो बिना शब्द देते हुए च्वाइसलेस अवेयरनेस कहते हैं कृष्णमूर्ति। आप व्याख्या का च्वाइस मत करो, आप व्याख्या ही मत करो, आप जैसा है तैसा छोड़ दो, है ना। और आप क्या हो रहा है एक डॉक्टर की तरह, एक साइंटिस्ट की तरह उसका ऑब्जर्वेशन करो, है ना। जब आप ऐसा करोगे तब आपका जीवन का नया द्वार खुल जाएगा, आप ऐसा अनुभव करेंगे जैसा पहले कभी अनुभव ही नहीं किया। मित्रों इस तरह बैठ के च्वाइसलेस अवेयरनेस होकर बैठने का जो ढंग है उसी को ध्यान कहते हैं। मेरे पास कुछ प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन, आप उनको प्राप्त करना चाहते हैं मुझे चैट करें, उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।